तो अभी हम होके आए गोम 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 में अपने गोम अभी हम लोग जा रहे हैं जोन टू में। जोन टू में कुछ होगी नई राइड्स, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। ओ माय गॉड, देयर इज रोलर कोस्टर। बेसिकली इस रोलर कोस्टर में 45 मिनट्स का वेटिंग था, इसलिए हम लोगों ने ये वाली राइड स्किप कर दी और अभी चलते हैं आगे। और इसका मेटल वेटल सब कोरोजन से पूरा रस्ट हो गया है, तो हमें विश्वास नहीं है इस राइड में। सॉरी, थोड़ा सा डर लगता है ये, और चढ़ तो ऊपर रही ही नहीं है, चढ़ने में तो इतना टाइम लगा रही है ना। टक, 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 टक। हमें इसमें बैठना था, कितना सारा एक्साइटमेंट था, सब कुछ हो गया। और ये वाली राइड भी क्लोज निकली। गाइस, दिस इज जोन टू वृंदावन गार्डन। गाइस, ये हमारे स्वागत ने सब कुछ स्टार्ट किया है। हम जहां जहां जाते हैं वहां पर फाउंटेन स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। गाइस, तो ये है अताबी का सेल्फी जोन। गाइस, दिस इज लव सेल्फी जोन, मैं आपको दिखाती हूँ। All are different frames for take a selfie. Guys, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रील बनाई है और फोटोज भी क्लिक की है, तो देखने के लिए इंस्टा पे चले जाइए। और ये छोटा भीम की टीम, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं यहाँ पे। किड्स जोन है और बहुत सारे ऑप्शंस है किड्स के लिए, लाइक दिस। तो ये है किड्स जोन, यहाँ पे बच्चों की छोटी छोटी राइड है, देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, है ना। बहुत छोटे छोटे किड्स जोन, बट पता नहीं लोग बड़े-बड़े छोटे बच्चों का यहाँ पे राइड है। ये देखे, ऐसी छोटी सी रेल यात्रा भी की करवा देते हैं यहाँ पे। कैसा रहा? गाइस, हॉरिबल एक्सपीरियंस इन रिवर्स बंजी जंपिंग, बहुत ही ज्यादा मजा आया। हॉरिबल एक्सपीरियंस और मजा, मतलब ऊपर जाके मैं पूरी मतलब राउंड राउंड हो गई थी और मेरे लेग में बहुत ही कंट्रोल करने की ट्राई कर रही थी। मैं मतलब पीछे रखूँ, उसने मेरे को बोला था पीछे लेग रखना, तो मैं पीछे भी कर रही थी, बट ऊपर जाके मैं राउंड हो गई, पता नहीं क्यों, बट मजा आया। मेरे को देखने में भी मजा आया। मेरी हालत टाइट हो गई थी। अभी हम कभी ऋषिकेश जाएंगे एक्चुअल बंजी जंपिंग करने। सागर, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कार्निवल देखने के लिए। एमा तो मैं बैठा हम क्या सुधी वादो नहीं, पर जे जेट सिस्टम आवे जे ने पहले મને નહીં ખબર કોને 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 જેટ સિસ્ટમ ખબર હશે, મને નથી ખબર, પણ પેલું સાહેબ જે જેટ તમે ખોલો ને
પણ મેં આ વાતની રજૂઆત તમારા કાકીને કરી. મેં કીધું સલું આ જેટ ખોલો છે, એવું ઠંડુ છૂટે છે, આનું કઈ કરવું પડશે. તો એને શું સોલ્યુશન કાઢ્યું ખબર છે? એને ગીઝર ની ટોટી જેટમાં ઘાલી. તમને ખબર નહીં, હજુ ગજવામાં બર્નોલ રાખો છો. બટ યસ, થેન્ક યુ લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન. એક નાનકડી રિક્વેસ્ટ છે કે જેને એક થેન્ક યુ, લવ યુ, લવ યુ, થેન્ક યુ. અરે વાહ, સો નાઇસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. પણ એક નાનકડી એવી રિક્વેસ્ટ છે કે જેને અત્યારે આપણે જે કંઈ પૂછવું હોય કિશોર કાકાને, લેટ્સ ગો લાઈવ. ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક, ફીલ ફ્રી ટુ, એકદમ ઘરનો ડાયરો સમજી. યસ, પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ. અચ્છા, સવાલ એવો છે કે મહેશના લગ્ન ક્યારે થવાના છે? હવે જેને નથી ખબર એને હું કહી દઉં, મહેશ એટલે મારો સાળો. હવે એ કેવો દેખાય, આ તમે સ્પીકર જુઓ છો, સ્પીકર આવા કલરનો છે અને દાંત આવા છે. જો તમને કહી દઉં લાઈટમાં, આમે આપણે સીઝનમાં કેરી આમ ખાતો હોય ને આમ ખાતો હોય. એને લગ્ન કરવા છે મહેશને, અને કશું કરતો નથી. હમણાં વચ્ચે મને શું કે ખબર છે? અરે દીજો, મેં ત્યાં છોકરી જોવા જાઉં છું. એટલે મેં વડીલ તરીકે કીધું કે છોકરી જોવા જાય તો એનું એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ સમજે, એને શું ગમે છે. એવું નહીં યાર, કોલેજની વાર ઊભા ઊભા જોવા જાઉં છું. મારું કે નહીં વાળે, તોય એનું એક માંગુ આવ્યું ને તો કશું કરતો તો છે નહીં. એટલે મેં એને એવું કીધું કે આ છોકરીને તું મળવા જાય તો કંઈ બઢાઈ ચડાઈને બોલજે. એટલે નાના જીજુ, મેં નક્કી કર્યું જ છે, હું છોકરીવાળાને એવું કહેવાનો છું કે મારો 1.5 લાખ પગાર છે અને બધું કટ થઈને હાથમાં 7,000 જેવું આવે છે. તમે કહો ઓ આટલું બધું કટ ના થાય, લા પકડાઈ જઈશ. પણ આ મારો મહેશ એલા, આના લગ્ન બગા ના થાય, તને શું લાગે? બહુ અઘરું છે. હા યા, એનીવન નેક્સ્ટ. શું કેટલો અઘરો સવાલ થાય. કાકાએ કાકીને પ્રપોઝ કર્યું તું? હવે આને મેં જોઈ હોય તો હું એને પ્રપોઝ કરું બગા? હવી છે મારા બાપ પડે ને તો મને તો તબેથાથી ઉખાડવો પડ્યો. બગા હું નતો એને પ્રપોઝ કર, હું તો મારા સસરા પાસે ખાલી લોટ લેવા ગયો અને બાપાએ ગુણ પકડાઈ દીધી. મેં એને પ્રપોઝ નથી કરતો. ઇનફેક્ટ એવું છે કે હું એની અડફેટ પણ નથી આવતો. એને જે કરવું એ કર્યા કરે. હા હા, अभी हम जो बंजी जंपिंग करके ही आए तो बाहर निकल के देखा तो किशोर काका आए हुए थे. इट वॉज सरप्राइज फॉर अस, किशोर काका यहाँ पे आए हुए थे. और अभी हम स्लसी खाते खाते जा रहे हैं लेजर शो देखने के लिए. तो चलिए आप भी लेजर शो दिखाते हैं अभी आपको.
शो खत्म कर लिया। अच्छा था, शॉर्ट और स्वीट था, और 10-15 मिनट का शो था। अभी बाहर निकल के पता चला अभी डांसिंग शो भी बाकी है, तो अभी वो देखने के लिए जा रहा है। जैसे कि हम गुजराती है, हम कहीं भी गरबा कर सकते हैं। अभी डांसिंग शो हुआ, गरबा हुआ, बहुत ही मज़ा आया, एकदम ही अमेजिंग फीलिंग थी, तो बहुत मज़ा आया। अभी हम बाहर निकल रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर घर जाएंगे। सो गाइस, हमने अभी डिनर कर लिया है और क्या बताएं, बहुत ही मज़ा आया, पूरा दिन बहुत ही बढ़िया गया। बहुत ही बढ़िया प्लेस है, आप लोग भी जाना चाहते हो तो हमारा एक सजेशन रहेगा, वर्किंग डेज पे जाओ, वीकेंड पे मत जाओ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, और वन डे टाइम स्पेंड करने के लिए है, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो आप सुबह से शाम कैसे हो जाएगी, हाँ, शाम से रात कैसे हो जाएगी पता ही नहीं चलता, पूरा दिन कैसे चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इतनी बढ़िया प्लेस है। तो आप लोग जा सकते हो, बट वर्किंग डेज पे ही जाना। और ये वाला ब्लॉग करते हैं हम यहाँ पर एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो कर दीजिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, बाय गाइस।